जय राम जी की भाइयों, आज है 21 सितंबर, मेरा बर्थडे। तो बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी कि हम आज कहाँ चलने वाले हैं। तो भाई देखो, बात है ऐसी कि आज है अपना बर्थडे, ठीक है। तो मैं पहुँच चुका हूँ झंडे वाला मेट्रो स्टेशन पर, ठीक है, क्योंकि मेरे बगल में ही देख रहे हो, ये झंडे वाला मेट्रो स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ मैं। तो आज हम चलेंगे, बर्थडे वाला दिन है तो हम बजरंगबली के दर्शन करने चलेंगे, ठीक है। हम आए अभी एकेडमी से आ रहे कबड्डी के, कबड्डी खेलते हो क्या? कल हमारा मैच है। सब लग अच्छा। टीवी और फिल्मों में हनुमान जी की सिंदूरी रंग की विशाल मूर्ति को देखकर आप समझ जाते होंगे कि यहाँ दिल्ली की है। आज हम आपको करोल बाग और झंडे वाला के बीच बनी इस मूर्ति के बारे में दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। मंदिर को संकट मोचन हनुमान धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर अपनी 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसमें हनुमान जी सीना चीरकर राम लक्ष्मण और देवी सीता के दर्शन कराते हुए दिखे रहे हैं। मंगलवार को इस मंदिर में भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। हनुमान जयंती के दिन झंडे वाला हनुमान मंदिर दिल्ली का सबसे व्यस्त मंदिर होता है। हनुमान जयंती ही नहीं बल्कि अन्य त्यौहार जैसे रामनवमी, शिवरात्रि, नवरात्रि और जन्माष्टमी भी इस मंदिर में भव्य तरीके से मनाए जाते हैं। पवित्र गुफा में आ चुके हैं, ठीक है। इस गुफा में पिंडी नाम की एक पवित्र चट्टान है और गंगा नदी के रूप में यहाँ पानी बहता रहता है। मंदिर के प्रवेश द्वार एक राक्षस के खुले मुंह जैसा दिखता है और गुफा के अंदर तरह तरह के देवी देवताओं की मूर्ति भी है और एक अलग ही ऊर्जा है गुफा के अंदर। अगर बात करें तो गुफा ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन है फीलिंग, पूरी गुफा वाली वाइब है बढ़िया एकदम, जहाँ भगवान वगैरह विराजमान है, ठीक है। और नीचे बात करें, यहाँ नीचे देखिए पानी पानी जा रहा है। चलिए आइए जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। बताते हैं कि इस जगह पर कभी एक छोटी हनुमान मूर्ति और भगवान शिव की धुना हुआ करती थी। एक बार स्वर्गीय महंत नागा बाबा सेवागीर जी महाराज वहाँ तपस्या कर रहे थे, तभी भगवान हनुमान उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने सपने में आकर अपनी एक बड़ी मूर्ति वहाँ स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। इस सपने को देखने के बाद उन्होंने इस जगह पर हनुमान मंदिर का निर्माण करने के लिए निर्णय लिया। ऐसे में मंदिर 1994 में बनना शुरू हुआ और इसे बनने में करीब 13 साल लग गए। अखंड ज्योति है, कंटिन्यू जल रही है माता के आशीर्वाद से। 2006 में ज्वाला जी से जला के लाए थे, तब से यूं ही चल रही है।